हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय आइडिया गैन। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, नीचे में देखिए एक जो बेल आइकॉन है, अगर वहाँ पर आप क्लिक करते तो मैं जब भी वीडियो बनाऊँगा तब आपको डायरेक्ट उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, वहाँ जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना है। ओके, तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो यानी ये पेपर, मैं आज का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट प्रीवियस पेपर है जो 10/9/2017 को हुआ था ये पेपर, तो ये मैं आज आपको टोटल 40 क्वेश्चन है मैथ के, वो सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरह से। फिर जो आगे होने वाली एग्ज़ाम से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, जो लेबर पोस्ट के लिए फेज़ टू और फेज़ थ्री की एग्ज़ाम जो बाकी है, अभी तक तो उसकी डेट, एग्ज़ाम डेट तो डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन जब एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगी तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। सो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन यानी जो बेल आइकॉन है वहाँ पर क्लिक करना है। सो जब भी उसकी डिक्लेयर होगी डेट तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रीवियस पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आज। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज। तो क्या बोला है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो 5 के साथ ऐसे नंबर बताइए जो डिविजिबल हो गए। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों, तो इसका आंसर कितना है, एक तो आपको 2 से होगा क्या नहीं होगा, तो क्या होगा, 5 के साथ होगा और 0 के साथ होगा, यानी कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, इफ़ देयर बी ए लॉस ऑफ 11% इन सेलिंग एंड आर्टिकल एट ₹178, एट वाट प्राइस शुड इट बी सॉल्व टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 11%। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन का हिंदी में क्या मतलब होगा कि यही कि एक जो आदमी है उसने ये जो आर्टिकल है वो उसने 11% का लॉस करके 178 में बेचा है। तो दोस्तों, आपको क्या निकालना है, उसको 11% का प्रॉफिट दिखाना है। ओके, तो लॉस में उसने बेचा जब उसको 11% का लॉस हुआ, तो अब आपको क्या निकालना है, 11% का प्रॉफिट निकाल। तो देखते हैं दोस्तों इसके आंसर, ये क्या हो गया दोस्तों, अभी ये तो हो गया प्रॉफिट उसका, इतने में इसने बेचा तो क्या है 178 89 इंटू प्रॉफिट, ओके 72 आंसर। सो दोस्तों, इसका आंसर है 222। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इस 35 meter देन द एरिया इज। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, जो स्केयर है, ये स्केयर है दोस्तों, स्केयर के सभी साइड, दोस्तों ये ध्यान में रखिए, स्केयर जब होता है तब उसके सभी साइड इक्वल होते हैं। ओके, तो यहां पर क्या देंगे हम, ओके, तो क्या होगा, आपको अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिखना पड़ेगा। दोस्तों, आपको स्क्वायर रूट अगर यानी बाय हार्ट होंगे तो आप इजीली लिख सकते हैं, इसलिए आप स्क्वायर रूट पार्ट कर लीजिए। 35 का स्क्वायर क्या होगा, दोस्तों तो इसका आंसर है 1225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
दोस्तों तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है फोर्थ अपना, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच इक्वेशन दिया है आपको दोस्तों, ये परफेक्ट क्यूब में है ए एंड बी, तो आपको इक्वेशन जो वन है तो ये क्या हो गया, वन हो गया। और नेक्स्ट जो है आपका जो फार्मूला है जो आपने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा, ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला ये है, तो आपका ये ए का होगा और ये बी का होगा। जब आप ए एंड बी की वैल्यू इस तरह से पुट करते तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन टू मिलेगा, इस तरह से आप जब पुट करते हो। ओके, तो जब आप कंपेयर करोगे इक्वेशन वन वन एंड टू को तो आपको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा। ओके, तो इसके बाद ये इक्वेशन से आपको क्या ए की वैल्यू मिलेगी, इसके बाद यही इक्वेशन में आपको ए की वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू आएगी, इसके जगह आप बी की वैल्यू डालिए यानी आपको क्या मिलेगा, बी की वैल्यू। तो क्या ए की वैल्यू का आंसर क्या है 48 और बी का क्या है 729। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिफ्थ, इफ़ हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60 and 168 इज 12, व्हाट इज़ द लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हो गया दोस्तों 5 का हो गया, ये कट हो जाएगा। इसके बाद ये 5 इसके साथ इंटू करेंगे 168 5 8 5 40 6 5 34 दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा 840। नेक्स्ट प्रॉब्लम, दोस्तों तो ये अपना छवा प्रॉब्लम है, तो क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ वन डिजिट प्राइम नंबर। दोस्तों तो आपको ये क्वेश्चन में क्या बताया है कि व्हाट इज द सम ऑफ वन डिजिट प्राइम नंबर, तो वन डिजिट वाले जो प्राइम नंबर है वो कितने हैं, एक तो हो गया 2, एक तो हो गया 3 5 7 11 होगा क्या, वन डिजिट में नहीं है, 11 नहीं होगा फिर, तो ये क्या है 4 ही है, तो क्या होगा, एक तो होगा 2 3 5 7 11, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, वन डिजिट बोल रहा, तो यहाँ तक ही होगा इतना ही, तो ये कट होगा। तो क्या करना है आपको, व्हाट इज द सम ऑफ वन डिजिट प्राइम नंबर का आपको क्या करना है, सम करना है यानी प्लस करना है, तो इसका आंसर क्या होगा 1270। ओके, नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द मैथमेटिशियन हु गिव द टर्म अल्गोरिदम, तो इसका आंसर है ख्वारिज्मी। ओके, ख्वारिज्मी मैथमेटिशियन हु गिव द टर्म अल्गोरिदम, तो इन्होंने निकाला है ये टर्म अल्गोरिदम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ कॉट ए इक्वल टू 12/5 देन द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए होल ब्रैकेट इंटू कौशक ए इज, तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, ये निकालना है, ये इक्वेशन दिया है आपको। ओके, तो और ये वैल्यू दिए आपको, तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले दोस्तों जो इक्वेशन है कॉस ए इंटू कॉसक है, ये इसको इंटू होगा, प्लस इंटू ओके ये हो गया दोस्तों। अभी आपको कॉसक ए का फार्मूला मालूम है किस तरह से होगा, देख लीजिए, ये इसका होगा कॉसक ए इक्वल टू 1/sin ए। ओके, तो ये हो गया फार्मूला,
इस तरह लिख लेते हैं इनटू वन अपॉन साइन ए प्लस सेम ओके तो ये क्या होगा कट होगा वन प्लस और ये इसका क्या होगा कॉस ए साइन ए इक्वल टू कॉट ए यानी जो नेक्स्ट फार्मूला है वो कैसे होगा कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉट ए तो ओके उसकी भी वैल्यू आप लिख लेंगे हम लिख लेंगे ओके अभी इसकी वैल्यू क्या है यहाँ देखिए ये है इसको पुट करेंगे वन प्लस ट्वेल्व अपॉन फाइव फाइव दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा सेवनटीन अपॉन फाइव ओके सेवनटीन अपॉन फाइव नेक्स्ट देखते हैं नाइन दोस्तों तो ये है नाइन्थ प्रॉब्लम द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ थ्री इज तो क्या है आपको क्या पूछा है सम ऑफ फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ थ्री थ्री के पांच मल्टीपल कौन कौन से एक तो वन टू थ्री और फोर और फाइव ओके जब आप इसके साथ इनटू करोगे तो क्या आएगा फाइव मल्टीपल वन सिक्स नाइन ट्वेल्व एंड लास्ट फिफ्टीन तो क्या है सम ऑफ द फर्स्ट सम करना है आपको प्लस करना है इसका फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ थ्री सम करना है आपको तो यह क्या है प्लस इक्वल टू जब आप इसका प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 45 ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम टेंथ प्रॉब्लम विच टर्म ऑफ एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है 92 88 84 80 जीरो इस जीरो है ओके तो आपको वो फार्मूला मालूम है जो आपने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा शायद आपको याद होगा तो इस तरह से ये फार्मूला है दोस्तों तो क्या होगा ए वन की वैल्यू 92 ए टू की 88 और नेक्स्ट है 84 की वैल्यू है ए थ्री 80 की है ए फोर और जीरो है ए एन ओके तो ये अपना फार्मूला है दिया हुआ ओके आपको क्या निकालना है डी की वैल्यू निकालना है डी की वैल्यू आपकी कितने मिलेगी इतनी मिलेगी ओके तो जब ये फार्मूला में आप ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा 24 तो आंसर का इसका 24 अगर दोस्तों इस पेपर सॉल्विंग में अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो फिर से टेंथ क्वेश्चन होंगे 11 से लेके 20 तक तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फ्रेंड्स